आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइगर, आइए नाज़रीन बताते हैं आपको अच्छी खबर। पीवी नरसिम्हा राव के घर को म्यूजियम में तब्दील करने का तेलंगाना हुकूमत ने किया फैसला। मुल्क के सबक़े वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव की 17 साल तकरीब तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मनाई जा रही है। इस दौरान हुकूमत ने इनके कारनामों से आने वाली नस्लों को वाकिफ करवाने के लिए इकदाम का फैसला किया है। 17 साल तकरीब के दौरान इनके आबाए मौजू को तरक्की दी जा रही है। महकमा सियाहत के ज़ेर एहतमाम पीवी नरसिम्हा राव के मवाज नगर में वाक़ इनके मकान को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल में तब्दील करने का कामों का आगाज़ हो गया है। साबिक़ वज़ीर आज़म की जानिब से इस्तेमाल की गई चीज़ा बेशुमार, इनकी तस्वीरें और यादगारों को इस म्यूजियम में रखा जाए। हैदराबाद में एक पुलिस कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली। नेशनल पुलिस अकेडमी में पुलिस कांस्टेबल की हैसियत से बरसर खिदमत बी वाशु श्री राम पल्ली में मुक़ैम थे, इन्होंने खुदकुशी कर ली। इंतहाई इकदाम की वजह घरेलू झगड़े समझी जा रही है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने में महफूज करवा दिया और पूरे मामले की छानबीन कर रही है। खवातीन ने अपने दोनों बच्चों का कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। यह अफसोसनाक वाकया रियासत तेलंगाना के ज़िला सूर्यापेट में इतवार की रात पेश आया। मोजानाड़ी कोर से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन 28 साल मोनिका और इसके अपना शोहर शीना से झगड़े हो रहे थे। बहराम खवातीन ने कल रात अपने दोनों बच्चा लकाशिता 3 साल और 9 माह का बेटे को फांसी देने के बाद खुद भी फांसी ले ली।